डेवलपमेंट परिवहन के साथ के प्रेम में हुआ, लेकिन सिर्फ घोड़ों का मालों का हुआ, एजुकेशन और रोजगार में नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ स्कीम से घर आए थे वो भी लोगों को नहीं मिले, तो इतना सब रखते हुए आप फिर उन्हीं को सपोर्ट करें। सपोर्ट कर रहे हैं जो पब्लिक की मोहब्बत की वजह से, तो हम उस बार उनको चांस दे रहे, अगर आप काम करेंगे तो रहीम खान नेक्स्ट टाइम रहेंगे, वरना मजदूर के तरफ से तो रहीम खान अगली बार बाइकॉट होंगे। तो ऐसे चैनल चाहते ये दूसरा एमएलए आना चाहिए बताओ। तो सर जो बीजेपी के डिप्टी सीएम थे जगदीप सत्तार, वो तो कांग्रेस के टिकट पर एमएलए लड़े, तो क्या वो सेकुलर हुआ या वो भी अभी भी टर्मिनल है? उनको टिकट नहीं देने की वजह से पहले तो पार्टी प्रेशर में थे ना जी, हाँ तो नहीं देने की वजह से इधर आए। मजबूरी का फायदा महात्मा गांधी, ऐसे लोग के हाथ में वोट देना अपने फ्यूचर को 5 साल तक बर्बाद करने के बराबर। वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कर्नाटका के असेंबली इलेक्शंस आने वाले 10 तारीख के दिन है, तो इसी इलेक्शन को जानते हुए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 26 और 25 के बीच में, जो कि यह मैलूर का एरिया है। आइए यहां के मैलूर के जो नौजवान यूथ है उनके वो किस पार्टी की तरफ है वो जानते हैं, इन लोगों की मुश्किल क्या क्या है, इन लोगों की परेशानी क्या है, तकलीफात क्या है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मैलूर में। तो हमारे साथ चलिए हम मिलाते हैं आपको मैलूर में कई सारे नौजवानों से। तो आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा मैलूर के जो नौजवान है वो पूरे ये होटल में, तो इनसे जानते हैं कि ये सारे लोग किसके तरफ है, आने वाले इलेक्शन में कौन से पार्टी के और कौन से कैंडिडेट के सपोर्ट में है। तो सबसे पहले सर आप सभी लोगों का स्वागत है जी। सर अब जो आने वाला इलेक्शन है 10 तारीख के दिन पोलिंग होने वाली है, पूरे कर्नाटक में एक ही बार है, तो मैलूर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है आप लोग कौन सी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? 3 पार्टी है सर, कांग्रेस है, जेडीएस है, बीजेपी है, आप लोग कौन सी पार्टी के साइड है? सर हम कांग्रेस पार्टी के तरफ है जी सर। इसकी वजह है हमारे सुनील धरने डॉन इनका नाम है, इस वजह से हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करें। हम जो है ना पहले बीजेपी के समर्थक थे, हमारे भालकी तालुक के क्षेत्र में डीके सिद्धराम साहब या प्रकाश ठंडे को सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्हों जो है ना नौजवान में जागरूकता लाकर कईयों नौजवानों को कांग्रेस पार्टी में कन्वर्ट करने का काम करें। इससे पहले कांग्रेस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम हुआ जिसमें रहीम खान साहब आए थे 4-5 दिन कुछ पहले, तो जब इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किए तो बहुत सारे लोग जो है ना रहीम खान साहब को 3 बार जीतते आ रही हूँ, अभी 4th बार इनका इलेक्शन है, देखेंगे इंशाल्लाह क्या काम कर सकते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल है मैलूर के अंदर, उनकी उम्र उम्मीद है, देखेंगे क्या कर सकते हैं, इस बार एक बार चांस देना बोल के हम ऐसा सोचे। तो क्या क्या मसले है सर मैलूर के अंदर? मैलूर के अंदर बहुत सारे मसले है सर, जैसा कि कुछ बताइए क्या क्या है। बहुत सारे लोग बेरोजगार है यहाँ पर, गरीबों गुरबा है, बहुत सारे लोग बेरोजगार है, नौजवान जो है ना 10वीं 12वीं पास कर कर उसके बाद आगे काम पे नहीं गए, तो रोजगार का मसला सबसे बड़ा मसला है यहाँ। फिर कईयों घर जो है ना हाशमी साहब जब इलेक्शन जीते थे वो फ्लैट में हाशमी कॉलोनी बोल के बसाए थे उन्होंने यहाँ पर, तो हाशमी कॉलोनी को जो है ना उसके पक्के पेपर नहीं है, तो पेपर का भी मुद्दा हम रहीम खान साहब के साथ रखे सुनील भाई लेकर, वो घर के पेपरों का मसला होगा, और कईयों स्कीम में ऑटो वगैरह दिलाने का भी बात चलेगी, ऑटो और रहीम खान के फंसे आते हैं वो ऑटो करा देने की बात चलेगी। सर इतने सब परेशानी जब है तो इसके जिम्मेदार कौन है सर? इसके जिम्मेदार पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन जो है ना रहीम खान साहब पिछले 3 बार से जीते आ रहे हैं उतना ज्यादा काम नहीं किए जी सर, फिर भी अब एक बार वजह इनको ये है कि डालने की वजह उनको जिताने की वजह, दूसरा जो है ना कैंडिडेट उतना मजबूत है नहीं, सूर्यकांत साहब है उन्होंने भी अच्छे है, लेकिन फिर भी हमारी मैलूर की जनता जो है ना रहीम खान साहब के बार एक बार फिर से एक बार भरोसा करना चाहिए, अब की बार वो काम करेंगे तो नेक्स्ट में जीतेंगे, नहीं तो फिर उनका बाइकआउट करके सीधा सीधा दूसरी पार्टी आए, मतलब पहले हम तो जिताएंगे और काम नहीं करेंगे तो बाइकआउट करेंगे देखेंगे अगली बार रहीम खान साहब उनकी जन्म में भी नहीं जीत सकते फिर अभी इस दफा काम नहीं करें जी। सर जो 15 साल से वही कंटिन्यू एमएलए है जी, आप 15 साल के पीरियड में काम क्या क्या हुआ वो बता सकते हैं? काम उनका हुआ बहुत कुछ, काम भी हुआ जी। नहीं सर अभी आपने बोला कि मैलूर में बहुत ज्यादा काम होना है। हाँ बहुत ज्यादा काम होना है सर मैलूर के अंदर, तो देखो तकरीबन काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ना पब्लिक एक क्या मोहब्बत है, सुनील भाई की मोहब्बत है,
हमारे शौकत भाई कौंसलर है उनकी मोहब्बत है, फिर कईयो हमारे साथ क्या नाम इनका अमर भाई है, सब लोग जो है ना मिलजुल के रहीम खान को मोहब्बत में डाल रहे हैं इस बार, मतलब मोहब्बत के लिए वोट डालेंगे, वोट डालेंगे, डेवलपमेंट को देखकर डालेंगे या मोहब्बत को देखकर डालेंगे। डेवलपमेंट रहीम खान साहब के पीरियड में हुआ लेकिन सिर्फ रोडों का और नालियों का हुआ जी, एजुकेशन और रोजगार में नहीं जी। सर ये जो पीछे इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रहीम खान साहब ही तो लाए हैं ना? रहीम खान साहब लाए कॉलेज, कॉलेज लाए लेकिन एजुकेशन में उतना डेवलपमेंट रहीम खान साहब नहीं करे, फिर रोजगार में भी नहीं करे जी। फिर कई लोगों को जो स्कीम आए थे जैसा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ स्कीम से घर आए थे वो भी लोगों को नहीं मिले, तो इतना सब रखते हुए भी आप फिर उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कर रहे हैं जो पब्लिक की मोहब्बत की वजह से, फिर भी हम एक बार उनको चांस दे रहे, अगर आप काम करेंगे तो रहीम खान नेक्स्ट टाइम रहेंगे, वरना मैलू के तरफ से तो रहीम खान अगली बार बायकॉट होंगे। जेडीएस और कांग्रेस जी सर, कांग्रेस और है, जेडीएस है और बीजेपी भी है जी सर, जो ये दो ग्रुप में मजबूत ग्रुप कितना है सर, जेडीएस का या कांग्रेस का? कांग्रेस का मजबूत है सर जी। कितने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं सर? कम से कम सर हमारे साथ नौजवान बच्चों का तबका 400 से 500 का तबका है, फिर घरों के हिसाब से लेडीज जेंट्स मिला के होंगे आराम से, दो वार्ड नंबर 26 में 3000 के करीब, वार्ड नंबर 25 में जो है ना हमारे अमर भाई जहाँ से आते हैं श्रीमंत भाई वहाँ से होंगे 2500, फिर वार्ड नंबर 27 से भी होंगे 1500-2000 जी। तो मतलब आप सब लोग मिलकर आपके बार रहीम खान साहब का सपोर्ट करेंगे? का सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और रहीम खान से भी उम्मीद है पिछली दफा की तरह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, रोजगार की तरफ ध्यान देंगे। हमारे कब आने वाले सर रहीम खान साहब मैलूर में जी? सर कैनवेसिंग को कब आने वाले? कैनवेसिंग एक बार हुआ, फिर 4 तारीख को कैनवेसिंग है रहीम खान साहब, वो तो ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ ऐसा हो रहा था, अब कैनवेसिंग 4 तारीख को है, फिर आज भी शाम में इधर हमारे 25 नंबर वार्ड में रहीम खान साहब आने के लिए बोलिंग, देखेंगे क्या टाइम करते हैं, 7 बजे का टाइम दिए हैं, देखेंगे इंशाल्लाह क्या टाइम निकलते हैं, देखिए काम करेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद मोबिन। आइए और सारे लोग यहाँ पर इस होटल में, उन लोगों से भी जानते हैं। सर जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप कौन से कैंडिडेट के साथ है, कौन से पार्टी को देखना चाह रहे हैं बीदर से? हम तो बीदर से जो यूथ के साथ है, जो डेवलपमेंट को लेकर जो चलने वाले हैं रहीम खान, हम उनके साथ में हैं जी, क्योंकि रहीम खान गरीब अमीर कुछ देखते नहीं है, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले नेता बोले तो रहीम खान साहब जी। तो सर यूथ के लिए क्या क्या करें सर, वो आप बता सकते हैं? यूथ के लिए बहुत सारे, उन्होंने जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जो जो इंटरेस्टेड थे उनके लिए सब स्पोर्ट्स के किटा दिलाए, सब ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसको नीड था जो उनके पास गई है उनके लिए काम किया है। अभी रहीम खान साहब भी आके काम करो बोले तो कैसे करने को आता है, जिसको भूख लगती है वही खाना खाना पड़ता है, मतलब जिसको जिसको चाहिए वो जाकर बनना चाहिए, जिसको जरूरत है वो जाकर काम लिए है, जो मिनिस्टर रहे जब भी लिए है, एमएलए रहे जब भी लिए है। आप कुछ काम लेते रहे मिले साहब? मैं लिया, मैं रहीम खान साहब के पास हमारे जो अम्बेडकर आपूर्ति निगम से जो स्कीम्स आते हैं ना वो स्कीम्स का मैं फायदा लिया हूँ। ये है सर, तो आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लाखों दिनों पे राज करने वाला एक ही राजा है, वो अब्दुल अजीज रहीम खान साहब जी। आपका नाम सर? अमर वंटे। तो जी सर की क्या राय है सर, कई सारे लोगों का कहना है वो रहीम खान को सपोर्ट करेंगे, तो आप भी उनके साथ है या आपकी कुछ अलग राय है? नहीं सर, नहीं सर, हम भी उनके साथ जी सर, हम भी रहीम खान को सपोर्ट करेंगे, रहीम खान को जीता पे लेकर आएंगे, हारेगा सर को फिर हर एक बार मिनिस्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे पक्का बनेंगे, हमारा सरकार आता है आता, कांग्रेस सरकार पक्का आता है, सर मिनिस्टर बनाएंगे पक्का, ठीक है। सर आपकी क्या राय है? हमारा तो देखो भाई बीदर में जब से मैंने साहब 15 साल से है जी, ना हिंदू मुस्लिम ना कोई जात पात कुछ भी नहीं है, सब भी समाज को लेके चलते हैं, और कहाँ पे भी जाओ हंसी मुंह से, कहाँ पे भी जाओ हंसते खिलते सबसे बात करते हैं, और डेवलप इतना हो चुका है कि हमारा टू व्हीलर भी अगर लग जाए तो जाते घर को, घर से बाहर जाते तो आने तक 2 पंचर होता था, आज देखो बीदर में हर गली हर नाला हर बड़े रोड से लेकर छोटे रोड तक पूरे रोड ड्रेनेज, एक बार नहीं 10-10 बार काम हो चुका है, एक बार नहीं एक रोड खराब है तो उसके ऊपर 3-3 बार काम कर चुके हैं, 3 बार जीतने के बाद भी
और अभी हमारे साथ अभी एक हम तो मरे हम तब तक ऐसे एमएलए चाहते कि दूसरा एमएलए आना क्यों नहीं बोलते हम सर जो लोग नाराज हैं उनको कैसा मनाएंगे नाराज नहीं है नाराज क्या बात से रहते कोई भड़काता उधर से इधर इधर ये इलेक्शन है कोई भड़काता थोड़ा उधर इधर होता फिर समझ के लास्ट में समझ उस दिन जो 10 तारीख के दिन जो वोटिंग होगा समझदार सीधा सीधा 4 नंबर बटन को दबा को ज्यादा से ज्यादा रहीम खान साहब को फतेह कर दे जीत हासिल हो जाता जी सर आपका नाम सुनील ठीक आपकी राय क्या है सर जो आने वाला इलेक्शन है आप कांग्रेस के साइड है जेडीए क्या बीजेपी के साइड है सर कांग्रेस का काम चल रही है मैया में तो लहर कांग्रेस की जय है और कांग्रेस के सिवा कोई कैंडिडेट अभी एक कैंडिडेट भी नहीं है कोई और सूर्यकांत नामी पंडित देखो तो पांच साल में साढ़े चार साल बेंगलुरु में रहते हैं इलेक्शन को इलेक्शन आती है बिगर को तो वैसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना क्या मामला मेरा काम है सब अपना नुकसान है वोट डालने वाले सही कैंडिडेट को जब कुछ रहता है यहाँ पे हमेशा उसको देखो उसके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मैलूर में कई सारे लोगों की नाराजगी है कि लॉकडाउन में एमएलए साहब यहाँ पर नहीं आए ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं नहीं नहीं वैसा तो मैलूर में किसी की नाराजगी नहीं मतलब लॉकडाउन में आप अच्छा कर रहे थे सर हाँ बिल्कुल बेशक खाए पिए हर वो चीज से मैलूर में कोई चीज की कमी नहीं थी चुप एक इश्यू पर बना रहे थे सूर्यकांत नागमरपल्ली जब एनआरसी के बारे में आई बात 5000 बच्चों को लेकर रैली कर रहे थे गणेश मैदान से गांधीगंज तक एनआरसी लागू होना जो मोदी साहब अमित शाह साहब कर रहे जो सही कर रहे हैं अब तो वो पार्टी चेंज कर देना सर वो जब बीजेपी में थे बॉटल चेंज है बॉटल वही है लेवल चेंज है सर जब सूर्यकांत जी वैसे ही बॉटल है मतलब आपका कहना है तो सर जो बीजेपी के डिप्टी सीएम थे जगदीप सत्तार वो तो कांग्रेस के टिकट पर एमएलए लड़ रहे हैं तो क्या वो सेकुलर हुआ या वो भी अभी भी कम्युनल है उनको टिकट नहीं देने की वजह से पहले तो पार्टी प्रेशर में थे ना जी हाँ तो नहीं देने की वजह से इधर आए सो है मजबूरी का फायदा महात्मा गांधी ये जो मिसाल है ना वैसा मजबूरी में आए सो है उनके दिल में कोई सेकुलर माइंड नहीं है उनका अगर उनका सेकुलर माइंड रहता तो पहले सेकुलर पार्टी में रहते थे उनका सेकुलर माइंड नहीं है मजबूरी में आए सो होगा वो ऐसे लोग के हाथ में वोट देना अपने फ्यूचर को 5 साल तक बर्बाद करने के बराबर है सर जो बीजेपी के डिप्टी सीएम थे जगदीप सत्तार वो भी तो मजबूरी में कांग्रेस में आए होंगे ना सर अब वो कांग्रेस के टिकट पर एमएलए हैं मजबूरी में कांग्रेस में आए हैं वोट देना चाहिए या नहीं कांग्रेस के लिए ना हम सिद्धरामैया को देख के देना है ना उनको थोड़ी हम उनको देखो देना सिद्धरामैया को देख के देना जैसा कि आप लेडीज को हाल करना था बस फ्री कर डाले 10 किलो चावल एक आदमी को कर डाले 200 यूनिट का रेंट फ्री कर दिए हर घर को हर लेडीज को 2000 रुपए पेंशन का बता दिए तो ये चीज देखना है हमको डेवलपमेंट देखना है जब तो हम आएंगे डिप्टी सीएम इधर तो सिद्धरामैया की बात सुनना पड़ेगा हमको बीजेपी की नहीं सिद्धरामैया जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा बीजेपी तो नहीं है ना तो सिद्धरामैया की बात सुनना पड़ेगा तो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले आप हाँ बिल्कुल जी सर आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद नासिर